भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला वैसे तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते रहते हैं, लेकिन कभी भी इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है जिससे कांग्रेस विवादों में घिर जाए। लेकिन हालिया बयान की बात कही जाए तो सुरजेवाला ने एक ऐसा बयान हरियाणा से दिया है, हरियाणा की रैली से दिया है, जिसके बाद सुरजेवाला पर विवाद छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। सुरजेवाला के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा कदम उठा सकती हैं। दरअसल आपको बता दें कि एक वीडियो के माध्यम से सुरजेवाला का ये जो बयान सामने आया है, इसमें सीधे तौर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को राक्षस कह दिया है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। उनके पेपर को, उनके भविष्य को मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला मंडी में गोली लगाकर बेच रहे हैं, इसलिए 17 किलोमीटर उस जालिम का दरवाजा खटखटाने के लिए चोली फैलाकर उन बच्चों के लिए, हमारी बेटियों और बेटों के लिए न्याय मांगने के लिए नौकरी मत दो, मौका तो दो नौकरी में बैठने का, मौका मिलिए। राक्षसो, भाजपा जजपा के राक्षसो, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं, जाकर पूछना है तो उस बच्चे के, उस बिटिया के, उस बेटे के माँ बाप से पूछो, तो कहता मौका तो दो नौकरी मत देना, जब मिलेगी मिल जाएगी यार, पेपर में बैठने की इजाजत तो दो। जैसे कि आपने रणदीप सुरजेवाला को सुना, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राक्षस और जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स हैं उनको सीधे तौर पर जो ये राक्षस के शब्दों का इस्तेमाल किया है, ये एक विवादित बयान के तहत आ जाता है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर जब राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वालों पर यह कहा था कि तमाम चोर हैं और उसके बाद मानहानि का केस दर्ज करवाया गया था, उसके बाद क्या कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ भी मानहानि का केस दर्ज करवाया जा सकता है? क्योंकि जिस तरीके के बयान यहाँ पर सामने आए हैं ये एक तरीके से विवादित बयान है, कांग्रेस की छवि को खराब करने के हैं। लेकिन हरियाणा की रैली में, हरियाणा के दौरान जनता को संबोधित करते हुए रणदीप सुरजेवाला इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आए थे। सीधे तौर पर उनका कहने का मकसद ये नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी राक्षस है, उनका सीधे तौर पर कहने का मकसद ये था कि उनकी नीतियाँ इस तरीके की हैं कि जनता को डुबा रहे हैं, जनता को परेशानियों में डाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आए थे। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या अब इन शब्दों के इस्तेमाल के तहत कांग्रेस विवादों में घिर जाएगी? क्या रणदीप सुरजेवाला अब मुश्किलों में आ जाएंगे? क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।